देखो तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। उस तरह में हमने क्या किया था कि क्या सीखा कि भाई अगर आप कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो तो जो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट बिकम्स ई नॉट बाई के, यानी कि के टाइम्स वो डिक्रीज हो गया था, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर जो कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे दैट इंक्रीजेस के टाइम्स के सी वो बन गया था, और उस केस में जो उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई थी। और फिर हमने देखा था कि अगर सेम एरिया अगर हो तो किस तरह से उसको हम ट्रीट करेंगे, किस तरह से पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में, सेम अगर विड्थ हो तो उसको हम सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन से, और क्या गलतियां नहीं करनी थी वो सब भी हमने देखा था। आज की जो ये क्लास है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये है कि यहाँ पर दो मेटल प्लेट्स हैं ए और बी, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इस बार वेरिएबल है, K इज इक्वल टू के नॉट प्लस एल्फा एक्स। के नॉट कॉन्स्टेंट है, एल्फा भी कॉन्स्टेंट है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। और x को जो मेजर किया है वो लेफ्ट से मेजर किया है, ऐसे मेजर किया है ऐसे। तो आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये प्लेट कैसी दिखाई दे रही होगी, आपको ये प्लेट किस तरीके की दिखाई देगी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मानो बेटा ये कि ये कोई एक प्लेट है आपकी, है ना, इस तरह से। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ से ऐसा करो कि इसका जो फ्रंट व्यू है ना ये वाला, इसको इसको इस पर फोकस करते हैं, ज़रा देखो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ये लो, ये बेटा आपका D है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ सिर्फ। अब आप ज़रा सोचो कि यहाँ से आप x दूरी पर गए तो आपको इस तरह की एक, ये क्योंकि 3D फिगर है और ये जो मैं बना रहा हूँ ये 2D में है, तो थोड़ा सा विजुलाइजेशन बट आपको करना पड़ेगा। देखो ये जो यहाँ पे प्लेट दिखा रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में ये प्लेट है, इस तरह की स्टैकिंग की गई बेटा, ये प्लेट फिर बिल्कुल सिमिलर टाइप की एक और प्लेट, फिर ऐसे प्लेट, फिर ऐसे प्लेट, फिर ऐसे, यानी कि सबकी क्या सेम है, सबका एरिया सेम है और सबकी विड्थ अलग अलग है। सबका एरिया क्या है, सेम है, है ना। मैं ये मान सकता हूँ ना कि ये जो छोटी सी विड्थ मानी इतने इतने में जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ये माना जा सकता है। तो आप विजुलाइज कीजिए कि स्टैकिंग कुछ इस तरह से है, ये फिर ये इस तरह से स्ट्रैकिंग कर रही हैं आप, यहाँ से चलते हुए शुरू कर रहे हैं इस तरह से और फिर ये ख़त्म हो गया, और ये इसकी विड्थ dx है। तो अब ज़रा एक बात सोचो कि ये जो कॉम्बिनेशन आपका बनेगा इस तरह वाला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबके थ्रू चार्ज सेम पास कर रहे हैं, यानी कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले तो एक बात बताओ, ये जो छोटा सा जो आपने एलिमेंट लिया है इसकी विड्थ बेटा मैं dx लिख रहा हूँ, इसका जो कैपेसिटेंस स्मॉल कैपेसिटेंस dc लिखा जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट। ये जो प्लेट है इसका एरिया समझने की कोशिश करो बेटा, इसका एरिया देखो ये इस तरीके से है, आपको ये वाला जो एरिया है ये एरिया लिखना है। ये एरिया कैसे आएगा ज़रा देखो कि ये ऐसे, ये वाली दूरी ये तो L है और ये पीछे तक जा रहा है ये B है, तो क्या लिख दो इसका एरिया, L इंटू बी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। डी कौन सी दूरी है बेटा, जो वो चार्ज क्रॉस करता है इसकी दूरी, और वो दूरी डी एक्स है, ये वाली दूरी है, ये डी एक्स है बेटा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये इस सिंगल प्लेट का कैपेसिटर आ गया, लेकिन ऐसी ऐसी जो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट्स स्टैकिंग जो की हुई है एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू डी तक, वो सारे के सारे कैसे कनेक्टेड हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड इन अ वे ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में अगर आपको नेट कैपेसिटेंस चाहिए बेटा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/C1+1/C2 एंड सो ऑन, यानी कि इट शुड बी समथिंग लाइक दिस 1/DC। सो 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये बेटा इस फॉर्म में आ जाएगा, अच्छा बेटा यहाँ पे ना कैपेसिटेंस नहीं लगाना, कैपेसिटेंस के भी तो आएगा, तो बेटा ये हो जाएगा dx अपॉन K एप्सिलॉन नॉट L इंटू बी। सो 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट L, भी बेटा कॉन्स्टेंट है, ये जो K है वो आपका वेरिएबल है, इसको K नॉट
प्लस अल्फा एक्स बेटा लिख देते हैं। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, जीरो से स्टार्ट होगी और बेटा डी तक जाएगी, जीरो से स्टार्ट होकर डी तक गई आपकी वैल्यू। तो बस अब कुछ नहीं बेटा, अब तो इसको सिंपल सॉल्व करना है। वन बाई सी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, देखो बेटा वन अपॉन ए एक्स प्लस बी वाला जो इंटीग्रेशन है वो तो एल एन टाइप वाला इंटीग्रेशन बनेगा, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल बी एल एन, देखो बेटा ये बनेगा के नॉट प्लस एल्फा एक्स, और एक्स का कोफिशेंट एल्फा वो यहाँ आ गया, और ये बेटा जीरो से डी तक जाएगा। सो वन बाय सी इफेक्टिव इज इक्वल टू वन अपॉन, ये बेटा अल्फा भी इधर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट अल्फा एल बी अपर लिमिट, तो बेटा होगा के नॉट प्लस अल्फा डी ओवर के नॉट, ये बेटा वन बाय सी इफेक्टिव आया। हमें तो सी इफेक्टिव चाहिए, सी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा एल बी ओवर एल एन के नॉट प्लस अल्फा डी ओवर के नॉट, ये बेटा आपका सी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएबल कैपेसिटेंस, है ना, जो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वही वेरिएबल है, तो उसको इस तरीके से एलिमेंट लेकर के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। नोट करो बेटा इसको, सेम इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करते हैं, देखो क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा, सारा बेटा सब कुछ एज इट इज ही है, बट इस बार x जो है x इज मेजर्ड फ्रॉम बॉटम, यहां से मेजर करेंगे भाई इस बार x ऐसे, नोट करो बेटा जल्दी से नोट करो, करो करो करो, देखो बेटा इस बार जो x को मेजर किया है वो x को यहां से मेजर किया है ऐसे ऊपर की तरफ जाओगे, यानी कि अगर मैं फ्रंट व्यू लूं आपका ये इस कैपेसिटर का यहां से, तो इस बार यहां से x दूरी पे जब जाओगे तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा ऐसे, जिसकी विड्थ मैं क्या मान लेता हूँ डी एक्स, यानी स्टैकिंग कैसे की गई है ये समझो, ये स्टैकिंग की गई है बेटा ये इस तरीके से, यहाँ से इस तरह से डालना शुरू किया गया कैपेसिटर्स को, तो यानी कि इस बार आप देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज़ सेम है, डायलैक्ट्रिक प्लेट तो सेम है, डायलैक्ट्रिक प्लेट सेम है लेकिन क्या अलग है, एरिया अलग अलग है सबके लिए। तो जरा एक बात सोचो कि ये वाली जो प्लेट है बेटा ये कितनी दूरी तय करके जाएगी, ये तो डी दूरी तय करके जाएगी, पहले मैं जरा इसका कैपेसिटेंस लिखता हूँ, स्मॉल इज इक्वल टू बेटा के एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इसका एरिया देखो, एरिया जो आएगा बेटा वो एरिया कितना आएगा वो जरा समझने की कोशिश कर लो आप, एरिया भी लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय बेटा ये लेंथ कवर करके जाएगा विच इज इक्वल टू डी। तो अब जरा इस एरिया की बात करो, ये जो फ्रंट में जो दिख रहा है यही तो एरिया है एक्चुअल में ये वाला, तो बेटा इसकी विड्थ तो डी एक्स है और ये है ना, ये डी एक्स विड्थ है और ये जो इसकी ये जो टोटल जो लेंथ है वो कितनी है पीछे की तरफ बी, तो बी इंटू डी एक्स, ये इस प्लेट का एरिया आ गया ना। आप जरा सोचो बेटा एरिया तो ऐसे वाला पार्ट में जाना है, तो पीछे जो इसकी ये जो दूरी जा रही है तो बी है और जो ये इसकी जो विड्थ है वो कितनी है वो डी एक्स है। और ये सारे के सारे बेटा कैसे हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, सबके लिए क्या सेम है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डीसी, और बेटा
एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी, और के की जगह बेटा क्या पुट करना है मुझे, के नॉट प्लस अल्फा एक्स डी एक्स। और बेटा ये एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो से एल तक है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा जीरो से एल तक, एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी। तो हल्का सा क्वेश्चन में चेंज करते ही जीरो से एल बेटा, एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी, अपर लिमिट के नॉट एल प्लस अल्फा एल स्क्वायर बाय टू, और बेटा वो जीरो वाला फैक्टर भी आ गया, दिस इज द आंसर, ये आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे कर लो, एप्सिलॉन नॉट बी एल बाय डी के नॉट प्लस अल्फा एल बाय टू, ये बेटा इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं उनका इंसर्शन कैसे किया गया है, उनको किस तरीके से दो प्लेट्स के बीच में रखा गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करो भी नोट करो जल्दी से, द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब ए सर्किट कैरिंग रेजिस्टेंस एज वेल एज कैपेसिटर। कोई सर्किट है बेटा जिसमें आपके पास क्या है, रजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, वहाँ का एनालिसिस करते हैं एंड इट इज़ कनेक्टेड विद है। आप बिल्कुल आरसी सर्किट एक बार दोबारा भी शायद पढ़ोगे जब आप क्या कनेक्ट करोगे, उसके साथ एसी सप्लाई कनेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो डीसी सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं बेटा। ये मान लो कोई रेसन, बड़ा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर, क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। सीबीएसई बोर्ड में ना ये कोई अलग से स्पेसिफाइड टॉपिक तो नहीं है, बट सीबीएसई भी इसमें क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है ना, बहुत मुश्किल नहीं, बड़ा सिंपल सा लेवल, बट उसके लिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए वाला। और आपके नीट में और मेंस में तो बहुत क्वेश्चन आता है इससे। ये लो जी, ये कोई की है आपके, ये स्विच मान लो बेटा, ये बैटरी है और ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस सी आर है और ये कैपेसिटर है सी। देखो इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, इसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे आपकी होल्ड होनी चाहिए, इंटीग्रेशन थोड़ा सा आना चाहिए आपको, बाकी तो सब ठीक है। और ऑल द इसका जो रिजल्ट जो आएगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, ठीक है, एट t इक्वल टू जीरो द स्विच s इज क्लोज्ड, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज q एंड करंट i एट फर्स्ट पार्ट बेटा t इक्वल टू जीरो प्लस बोल सकता हूं मैं, और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच, सेकेंड इज एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर, और बेटा जो थर्ड पार्ट है दैट इज एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी और द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेडी स्टेट। ये तीन एनालिसिस बनते हैं, इन्हीं तीन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तीन तरह की चीज़ें पूछ सकता है वो, जो बीट जो सेकंड पार्ट है वो, जो वो बेसिकली एडवांस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें पूछ सकता है, थोड़ा सा लेंदी होता है ये, लेकिन फर्स्ट पार्ट और सेकंड जो थर्ड पार्ट है बहुत आसान से पार्ट है, एक बार हमने इसका एनालिसिस समझ लिया तो। और यही जनरली फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट पे ही सवाल आता है मोस्ट ऑफ द टाइम,
है ना, मेंस लेवल तक या नीट में बात करें या सीबीएसई में बात करें, तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट ये बहुत कम पूछते हैं ना एग्ज़ाम्स में, बट आईआईटी एडवांस में तो पूछते हैं बेटा। देखो अब ज़रा ध्यान से, इनिशियली क्या था, ध्यान से समझना बेटा, आप एक एक चीज़ अगर अच्छे से समझोगे, एक एक चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट की तरह समझोगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, इनिशियली कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज्ड है, सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो भैया पहले कैपेसिटर को समझो, कैपेसिटर का क्या कहानी है, कैपेसिटर ओपोजिस सडन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ना ही कैपेसिटर एकदम से चार्ज होगा और ना ही कैपेसिटर एकदम से डिस्चार्ज होगा, वो क्या करेगा बेटा, उसको अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, यानी कि किसी भी चेंज को अपोज करेगा। मान लो कि उसके पास पहले दो माइक्रोकुलम चार्ज है, तो वो ऐसे ही एकदम से तीन माइक्रोकुलम नहीं लेके आएगा, पहले तो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है, वो क्या करेगा बेटा, वो अपोज करेगा, एक बात। दूसरी बात आगे देखो, अगला एनालिसिस, अगला पार्ट बेटा क्या है कि बिफोर क्लोजिंग ऑफ स्विच, जब आपने स्विच क्लोज नहीं किया ना बेटा, उससे पहले आपका कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज्ड है, कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। भाई कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, इसका मतलब बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू एट टी इक्वल टू जीरो माइनस इज जीरो। बेटा एक जीरो लिखूंगा, एक जीरो माइनस लिखूंगा और एक जीरो प्लस लिखूंगा। जीरो का मतलब तो वो इंस्टेंट जिस इंस्टेंट पर आपने स्विच को क्लोज किया है, टी इक्वल टू जीरो माइनस जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ द स्विच, जीरो प्लस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच। दोबारा से बेटा ध्यान रखो, जब भी टी इक्वल टू जीरो की बात करें, टी इक्वल टू जीरो का मतलब द इंस्टेंट व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, टी इक्वल टू जीरो माइनस द इंस्टेंट जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ द स्विच, एंड टी इक्वल टू जीरो प्लस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच। ये तीन इंस्टेंट की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टी इक्वल टू जीरो माइनस पे, तो स्विच को क्लोज करने से पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो था। तो भैया सीधी सी बात है, जैसे ही आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो सडन चार्जिंग कैपेसिटर पर नहीं हो सकती, इसलिए जितना चार्ज बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द स्विच है, उतना ही चार्ज आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द स्विच होने वाला है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अगली बात देखो, सीन्स कैपेसिटर ओपोजिस सडन चार्जिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ स्विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच। तो इसका मतलब भाई क्या हो गया, चार्ज एट टी इक्वल टू जीरो प्लस इज इक्वल टू चार्ज एट जी टी इक्वल टू जीरो माइनस विच इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, जस्ट उसके बाद कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बेटा कितना है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अभी भी जीरो है। कितना चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर, जीरो चार्ज है। अब जरा कमाल की बात है, अब काम की बातें हैं जो हम एनालाइज करेंगे बेटा। देखो अब स्विच क्लोज हो चुका है, देखो स्विच को कर दिया गया क्लोज। अब ध्यान से समझना बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे सब।
अब एक बात बताऊँ, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो बेटा, अभी मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे एनालिसिस कर रहा हूँ, टी इक्वल टू जीरो प्लस के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से भाई, चार्ज तो जो है कैपेसिटर के ऊपर वो जीरो है। चार्ज अगर कैपेसिटर पर जीरो हो गया तो आप एक बात बताओ बेटा, आप ऐसे तो लिखते हो Q इज इक्वल टू सी वी, इसका मतलब बेटा Q अगर जीरो हो गया, कैपेसिटेंस जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो। जैसे ही आप स्विच को क्लोज कर देंगे, जस्ट उसके बाद कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा, और कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी कैन रिप्लेस कैपेसिटर विद ए जीरो रेजिस्टेंस वायर, विद ए जीरो रेजिस्टेंस वायर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड होना चाहिए। अगर कुछ चार्ज हुआ तो बेटा उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा। तो क्या बात समझ में आई कि सर अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो, तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, जीरो रेजिस्टेंस वायर से। तो मेरे पास एक पार्ट तो आ गया बेटा, जो चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच दैट विल बी जीरो, वो जीरो आ गया, जीरो होने के कारण से उस पर पोटेंशियल जीरो आ गया, और उसके कारण से मैं उसको जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर देता हूँ। तो बेटा अगर मैं उसको जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर देता हूँ तो मुझे लगता है अब आपके लिए करंट निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ये आर, ये ई, करंट नो डाउट इस तरीके से फ्लो करेगा, एंड द करंट एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, करंट एट टी इक्वल टू जीरो प्लस इज इक्वल टू ई बाई आर। करंट की वैल्यू बेटा इस इंस्टेंट पे क्या हो गई, वो ई बाई आर हो गई। सेकेंड पार्ट करने से पहले बेटा मैं थर्ड पार्ट करता हूं, टी इक्वल टू इन्फिनिटी और स्टेडी स्टेट। बेटा स्टडी स्टेट का मतलब कि जो भी कुछ होना जाना था लगभग हो गया है, अनंत समय यानी कि बहुत लंबे समय। बेटा टी इक्वल टू इन्फिनिटी बोले, स्टडी स्टेट बोले, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये वर्ड भी यूज करे तो भी यही बात है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब होगा क्या बेटा जरा समझो, कि इनिशियली तो कैपेसिटर अनचार्ज था, धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होना शुरू होगा, चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है, 100% चार्जिंग तो पॉसिबल होती ही नहीं है, 100% चार्जिंग बेटा पॉसिबल नहीं होती कैपेसिटर की, या जब आप इंडक्टर में बात करोगे तो वहाँ पे भी बात करेंगे, बट अभी के लिए कैपेसिटर की मैं बात करूँ तो कैपेसिटर में 100% चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। जब 99% चार्जिंग होगी तो वही हमारे लिए लगभग क्या है कि 100% चार्जिंग हो गई है उस इंस्टेंट पे। ठीक है, तो स्टडी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, और फुली का मतलब कि ऑल 99% के आसपास कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। जितना चार्ज वो हो सकता था बेटा उतना वो चार्ज हो चुका है, एक बात तो ये हो गई। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब बेटा अब क्या होगा कि अगर वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है तो dQ by dt इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। ये चार्ज बेटा कैपेसिटर के ऊपर है भाई, जब ऑलमोस्ट चार्ज हो गया बेटा, जीरो तो नहीं होगा बट दैट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो, है ना, धीरे धीरे हो चुका है कैपेसिटर। अब क्या हो रहा है, अब और ज़्यादा चार्ज नहीं हो रहा है। जब वो चार्ज नहीं हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चार्जिंग क्या हो गया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, और dQ by dt जीरो हो गया। इसका मतलब बेटा इस इंस्टेंट पे जो करंट की बात करूँ, करंट ऑन थ्रू द कैपेसिटर दैट इज ऑल्सो जीरो।
डी क्यू बाई डी टी करंट ही तो होता है, तो अब जब चार्ज ही नहीं वेरी कर रहा, चार्ज ही नहीं फ्लो कर रहा, तो करंट भी कैपेसिटर के थ्रू ज़ीरो हो जाएगा भाई, आई थ्रू द कैपेसिटर विल बी ज़ीरो। और भाई कैपेसिटर के थ्रू करंट अगर ज़ीरो हो गया, यानी कि यहाँ करंट ही पास नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं स्टडी स्टेट के ऊपर कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकता हूँ एयर गैप के साथ या ओपन सर्किट के साथ। एट स्टडी स्टेट कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट और एयर गैप। ये बड़े कमाल की बात है बेटा, स्टडी स्टेट में ऐसे ही होगा। स्टडी स्टेट का मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन ओपन सर्किट और एयर गैप, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। ये लॉजिक दोनों में पता होना चाहिए, दोनों में लॉजिक पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने इसको जीरो रेजिस्टेंस वायर क्यों लिया, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल जीरो था, और पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब जीरो रेजिस्टेंस वायर। और इस वाले केस में क्या होगा कि सर चार्ज होता गया और अब स्टडी स्टेट पे बात करूँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम बात करूँ, तो चार्ज जितना होना था वो हो चुका, अब और चार्जिंग नहीं होगी। डी क्यू बाई डी टी इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो जो करंट होगा कैपेसिटर के थ्रू दैट विल बी जीरो। जब चार्ज करंट ही नहीं फ्लो कर रहा तो इसका मतलब इसको रिप्लेस कर दो ओपन सर्किट के साथ। लेकिन एक और कमाल की बात पता क्या है कि ओपन सर्किट से तो रिप्लेस करोगे, साथ में एक वर्ड और यूज कर सकते हो आप, विद ए पोटेंशियल ड्रॉप। बेटा उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल तो जरूर मिलने वाला है, पोटेंशियल ड्रॉप जरूर मिलेगा वहाँ पे। कारण क्या है कि उसके पास चार्ज है, उसको उसके कैपेसिटेंस से तो वी तो आएगा ही क्यू बाई सी। तो भाई यहाँ पे टी इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर बेटा क्या पता लग गया है मुझे ये पता लग गया कि करंट तो जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो है, चार्ज अभी भी नहीं पता लगाया ना। तो बेटा इसको भी देखो ऐसे भी लिखेंगे, होपफुली इधर से सबने नोट कर लिया है। देखो बेटा तो ऐसा लिखेंगे हम, करंट एट स्टडी स्टेट, SS से लिखूंगा, स्टडी स्टेट इज जीरो, थर्ड पार्ट हमने किया है पहले बेटा। अब बात यह कि कैपेसिटर के अक्रॉस ऐसे सर्किट को रिप्लेस कर दिया भाई, देखो ये आपका कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी, ये पॉजिटिव बेटा, ये नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस आर, और करंट है जीरो आपका भाई, करंट है जीरो है तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो नहीं रहा, सारा का सारा जो ये ई है वो किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, वो सारा का सारा पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा। तो बेटा इस इट मींस कि इसके अक्रॉस ड्रॉप ई है, और इस पे चार्ज मान लो बेटा क्यू एट स्टडी स्टेट इज क्यू एस एस, और इसके अक्रॉस ड्रॉप ई है, तो आप कैसे लिखते हो बेटा, क्यू एट स्टडी स्टेट इज इक्वल टू सी इंटू ई, खत्म भाई। इसका कैपेसिटेंस सी है और इसके अक्रॉस ड्रॉप ई है, तो सी इंटू ई, रेजिस्टेंस का होना ना होना इस समय मतलब ही नहीं रखता कुछ। तो चार्ज एट स्टडी स्टेट विल बी सी इंटू ई, बड़ा सिंपल सा करना है, कुछ रजिस्टर है नहीं, सी इंटू ई। तो चार्ज एट स्टडी स्टेट भी आ गया, इनिशियल स्टेट पे भी आ गया था, और करंट भी आ गया। अब जो हमारा एनालिसिस है बेटा वो भी और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है, दैट इज किसी भी जर्नल टाइम टी पर बेटा, एट एनी जर्नल टाइम टी। देखो वो कैसे करते हैं, अब बिल्कुल पूरे मैथ्स की प्रैक्टिस होने वाली है। किसी भी टाइम टी पर बेटा, एट एनी टाइम टी, मैं मान लेता हूं कि इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ करंट आई, वो करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, वो करंट आई फ्लो कर रहा है, और उस टाइम पर इस कैपेसिटर के ऊपर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बेटा, और मैंने क्यू चार्ज मान लिया है आपका, क्या चार्ज मान लिया, क्यू चार्ज आपका मान लिया। अब KVL इस्तेमाल करेंगे, देखना KVL कैसे इस्तेमाल करेंगे, करंट किसी भी टाइम पे आई माना हुआ है, तो देखो बेटा यहाँ से क्रॉस करेंगे, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से क्रॉस किया तो प्लस ई माइनस आई आर,
और बेटा आप यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू बाहर आए हो, माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज क्यू बाई सी और नेगेटिव साइन क्यों, आप नेगेटिव प्लेट से बाहर आए हो। ये वाली चीज़ आ गई बेटा, ये इक्वेशन आ गई केवीएल की, ये इक्वेशन बनी बेटा किसकी, केवीएल की इक्वेशन बन गई है ये आपकी। तो देखो बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आई आर इज इक्वल टू सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सी। ध्यान से रखना, दीज आर द स्टेप्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, आई इज इक्वल टू सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर सी। इधर आई है, उधर क्यू है, बाकी सब कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करना है तो चार्ज की फॉर्म में लेके आना चाहते हो, तो आई को आप देखो कैसे लिख सकते हो बेटा, आई कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी ई माइनस क्यू ओवर आर सी। तो भाई सेम वेरिएबल्स वालों को एक साथ लिखो, तो बेटा डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी, और भाई दोनों साइड कर दिया जाए इंटीग्रेट। बेटा अगले कुछ समय के लिए आप सब लोग अपनी स्क्रीन पो अपनी नोटबुक पेन सब रख दीजिएगा, पहले सिर्फ समझिएगा है ना, और उसके बाद स्क्रीन को या रिवर्ट करके दोबारा से देख लीजिएगा। इसको ध्यान से समझो कि ये वाला बेटा आ गया डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू, इसको एक बार समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डी टी अपॉन आर सी ये फॉर्म आ गई। लिमिट देखो टी इक्वल टू जीरो बेटा, जब t की वैल्यू जीरो थी यानी कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच की बात करता हूँ बेटा ना, यहाँ तो जीरो प्लस तो नहीं लिख पाऊंगा, जीरो लिखना पड़ेगा मुझे। उस टाइम पर यहाँ पर चार्ज कितना था, यहाँ पर चार्ज जीरो था। किसी भी टाइम t पर चार्ज कितना था, सी ई चार्ज था ना, सी ई चार्ज था। बेवकूफ़ हो बेटा सब लोग, सी ई चार्ज नहीं था, सी तो t इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर चार्ज था। अगर वही तो मालूम है तो फिर क्यों कर रहे हो सोल्व, अगर आपको यही तो मालूम है कि किसी भी टाइम टी पे सी ई चार्ज है तो फिर कर क्या रहे हो ना। किसी भी टाइम टी पे चार्ज क्यों है बेटा, सी ई नहीं है, सी तो स्टेडी स्टेट के ऊपर चार्ज है। तो इसको देखो भाई कैसे करें, डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन किया था एल एन टाइप वाला जो इंटीग्रेशन था, तो ये इंटीग्रेशन बेटा कैसे आएगा, एल एन सी ई माइनस क्यू बेटा, और क्यू का जो कॉफिशेंट है दैट इज माइनस वन, उसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा जीरो से क्यू बेटा, और ये आपका तो सिंपल आ गया टी अपॉन आर सी आ गया भाई। बहुत बढ़िया, इस नेगेटिव को उस तरफ लेके जाओ, अपर लिमिट तो बेटा अपर लिमिट तो सी ई माइनस क्यू, और भाई फिर दूसरी बार क्यू की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो ये है आ गया इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी ना। मैं कहने वाला कह रहा था बहुत स्टार्टिंग है कि प्रॉपर मैथ्स आने वाला है इस एनालिसिस के अंदर। अब ये बात बेटा आपने जब 11th क्लास में जब आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा तो इस टाइप की चीज़ आपने पढ़ी होगी बेटा कि अगर एल एन एक्स इज इक्वल टू कुछ टी है, समझा रहा हूँ बस, तो एक्स की वैल्यू आपको चाहिए होती है बेटा, एल एन एक्स का मतलब ये होता था कि लॉग बेस ई एक्स, तो बेटा आप कैसे लिखते थे, एक्स चाहिए ना, एक्स इज इक्वल टू इसको इधर लेके जाओ और इसके ऊपर इधर जो भी है सब उसकी पावर में, ऐसे हम लिखा करते थे। तो अब जरा देखो सेम वही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं, देखो कि सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई है ना बेटा, एल एन के अंदर तो जो टर्म थी वो एज इट इज़ रख दी और इस तरफ सब ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब घबराने की ज़रूरत नहीं, यहीं तक का था थोड़ा सा मुश्किल काम, अब हो जाएगा। सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू सी ई इन टू ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और क्यू इज इक्वल टू बेटा सी ई कॉमन, और ऐसे लिख लो चाहे सी ई माइनस सी ई ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और यू कैन राइट क्यू इज इक्वल टू सी ई कॉमन बेटा वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तुम सबके प्राण निकलने वाले हैं बस थोड़ी देर में है ना, देखो क्यू इज इक्वल टू सी ई वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी बेटा। इस सी ई को मैं क्या लिख देता हूँ, याद करो ये तो स्टेडी स्टेट का चार्ज था यानी कि यही मैक्सिमम चार्ज हो सकता था, इसको क्यू नॉट लिख देता हूँ भाई। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ये लो जी, अब एक और नया काम कर दिया, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ,
इसको टाउ लिख दिया, ये कांस्टेंट है ना, आर और सी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है बेटा। वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू चार्ज एट स्टेडी स्टेट बेटा, या फिर आप उसको सी ई लिख सकते हो। ये जो टाउ जो मैंने लिखा है इसको कहा जाएगा टाइम कांस्टेंट, और बेटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, फॉर द आर सी सर्किट द वैल्यू ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट इज टाउ इक्वल टू आर सी। तो बहुत बढ़िया सा एक्सप्रेशन बेटा आ गया हमारे पास, क्या क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एट एनी टाइम टी, किसी भी समय पे चार्ज आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई तो बेटा करंट आ जाएगा। I इज इक्वल टू कैसे लिखोगे बेटा, डी क्यू बाई डी टी, तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू नॉट एज इट इज है ना वन, ये तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाय माइनस, अच्छा बेटा ये क्या आएगा, सॉरी माइनस वन बाय टाउ है ना, इसका कॉफिशियंट से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू बेटा माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट, और बेटा ये टाउ ऊपर चला जाएगा, टाउ e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, आप देखो जरा क्यू नॉट की वैल्यू बेटा आपने क्या लिखी थी, c इन टू ई, टाउ की वैल्यू बेटा कितनी है, टाउ की वैल्यू आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आ गया। माइनस टी बाई टाउ, या आप इसको सिंपल इसी फॉर्म में याद रख सकते हो, इसको ऐसे कर लो, चाहे एक सेकेंड यहीं पर लिख लो इसको, एक सेकेंड, डी क्यू बाई डी टी तो क्यू नॉट ये और वन माइनस ई टू द पावर बेटा माइनस टी बाई टाउ का, तो एज इट इज डेरिवेटिव हो गया, और अब डेरिवेटिव होगा माइनस टी बाई टाउ का, तो माइनस टी बाई टाउ का डेरिवेटिव होगा, तो सॉरी मैं वो डिफ्रेंशिएशन वाला रूल लगा गया ना, तो ये माइनस वन बाई टू आ जाएगा बेटा, सो इट विल बी क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई टाउ। तो बेटा क्यू नॉट तो आपकी वैल्यू हो गई कितनी, सी इन टू ई, ये आर सी हो गया, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, सी से सी कैंसिल आउट बेटा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू बेटा ई बाई आर, आप अगर ध्यान करोगे तो यही तो वैल्यू एट स्टेडी स्टेट थी, स्क्रीन पोज करो बेटा और ये सारे का सारा नोट करो, फिर इस पर और एनालिसिस करते हैं, नोट करो जल्दी से। तो बेटा दो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं आरसी सर्किट के लिए इन द केस ऑफ चार्जिंग, एक तो चार्ज का फॉर्मूला आ गया क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और एक बेटा आपके लिए करंट का है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, या आप आर सी भी लिख सकते हो, वहाँ पे आई नॉट की वैल्यू भी बाई आर आ गई। और देखो बेटा इस पर और एनालिसिस करते हैं जरा ध्यान से, ये दोनों जो रिजल्ट हैं बेटा करंट का एट एनी टाइम टी और चार्ज का एट एनी टाइम टी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप डायरेक्टली आपको टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी बस, अगर ये एक्सप्रेशन याद है तो आपको है ना। देखो बेटा मैं लिख लेता हूँ यहीं पर दोनों, कि एक तो आया आपका क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और अभी थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा आपको कि क्या है टाइम कांस्टेंट बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये सिंपल ही आ जाएगा बेटा यहाँ पे ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आ गया, बाकी सभी रब कर देते हैं हम ज़रा देखो। तो पहले डिफाइन करते हैं कि ये जो टर्म है टाइम कांस्टेंट ये क्या चीज़ है, टाइम कांस्टेंट टाउ, तो भाई इसको जब सॉल्व करते हैं तो पता क्या करूं, पुट टी इज इक्वल टू टाउ,
ये जो आपकी चीज चार्ज वाली जो इक्वेशन है इसमें टी की जगह टाउ पुट कर देते हैं तो क्या आएगा बेटा जरा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ। और इसको बेटा जब सॉल्व करते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये क्या आ जाएगा बेटा वन माइनस वन बाई ई, और यहाँ से आ गया क्यू इज इक्वल टू बेटा क्यू नॉट ई माइनस वन बाई ई। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद इट कम्स आउट टू बी 0.63 क्यू नॉट। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट, पहली बात तो टाइम कांस्टेंट हैज द डाइमेंशंस ऑफ टाइम। टाइम कांस्टेंट यहाँ पे देखो बेटा ई की पावर में कुछ भी डाइमेंशनलेस ही आना चाहिए, तो एक बात तो यही हो गई कि टाइम कांस्टेंट हैज डाइमेंशंस ऑफ टाइम, हैज डाइमेंशंस ऑफ समय टाइम, यानी कि आरसी की बात कर रहा हूँ, आरसी हैज द डाइमेंशंस ऑफ टाइम। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ बेटा है ना, नीट वीट में मेन सेंस में कई बार पूछ लेते हैं कि जो आरसी है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है या आप वो क्या यूनिट है उसके, दैट इज टाइम, वो सेकंड में आ जाएगा वो। तो इसका मतलब समझो कि टाइम कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम एट विच, उस समय जब चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। सो टाइम कांस्टेंट is that time instant at which capacitor becomes 63% charged। एक्चुअल में पता है खेल सारा टाइम कॉन्स्टेंट का ही है, जो कैपेसिटर की जो मेन जो कहानी है ना वो कैपेसिटर की जो मेन कहानी है वो ये टाइम कांस्टेंट ही डिफाइन करता है ना, कि टाइम कांस्टेंट हम क्या चाहते हैं कि भाई चार्जिंग जल्दी हो। टाइम कांस्टेंट कम होने का मतलब क्या हो गया कि 63% चार्ज वाला समय जल्दी आ गया, माने कि जल्दी चार्ज हो गया। समझ में आया बेटा? इसको दूसरे टर्म में एक और देख सकते हैं क्या बेटा, इट इज़ द टाइम एट विच करंट डिकेज टू 37%। किसका 30% बेटा? जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका, करंट के जो बेटा देखो ना, आप यहाँ पे देखो जरा ध्यान से देखना, वन माइनस कुछ किया था तो 63% आया, और ये वाला पार्ट अगर ये वन वाला पार्ट नहीं रहेगा तो 37% बच जाएगा, सीधी सी बात है। तो इट इज़ द टाइम एट विच द करंट डिकेज टू 37%। और देखो जरा इसके ग्राफ भी बनाएंगे, बट उससे पहले और बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग देखो। अब जरा ध्यान से देखना, आप कहोगे सर जो बात आपने शुरू में लॉजिकली बताई थी बिना किसी प्रूफ के बताई थी वो बात कितनी सच थी ये तो चेक कर लो। वो चेक कर लेते हैं, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है बेटा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बेटा, और एक एक्सप्रेशन आया आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो वेयर टाउ इज इक्वल टू आर सी क्यू नॉट इज इक्वल टू सी ई आई नॉट इज इक्वल टू ई बाई आर एट टी इक्वल टू जीरो प्लस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच। जो रिजल्ट मैंने लॉजिकली बताए थे बिना किसी प्रूफ के बताए थे, जरा देख लो कि मैं सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था। टी इक्वल टू जीरो पे बेटा चार्ज की वैल्यू देखो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो बाई टाउ, ई की पावर जीरो इज वन, तो बेटा क्या हो गया क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस वन, तो q एट t इक्वल टू जीरो प्लस कम्स आउट टू बी जीरो। मैथमेटिकली जो हमने रिजल्ट निकाला है वहाँ से भी वही रिजल्ट आया जो हमने लॉजिकली बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बेटा। दूसरा पार्ट करते हैं बेटा करंट के लिए, करंट एट t इक्वल टू जीरो प्लस, तो I नॉट e की पावर माइनस जीरो बाई टाउ, e की पावर जीरो बेटा वन बन गया, I इज इक्वल टू आई नॉट और आई नॉट को बेटा ई बाई आर लिखा था, यही तो करंट मैंने बताया था आपको, यही तो आपको करंट की वैल्यू बेटा बताई गई थी। अच्छा चलो सर ये तो t इक्वल टू जीरो पे तो आपकी बात सही हो गई है, अब जरा बात कर लेते हैं किस पर, अब बात करते हैं कि स्टडी स्टेट पर सब कुछ ठीक है क्या।
यानी कि जो बात हम बोल रहे थे तो एक जगह तो मैथमेटिकली वो सही साबित हो रही है। अब देखो बेटा, एट टी इक्वल टू स्टेडी स्टेट इन्फिनिटी लॉन्ग टाइम ए की बात, तो क्यू इज इक्वल टू बेटा क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बाई टू, यह बेटा जीरो हो गया। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज ज़ीरो और क्यू इज इक्वल टू सी ई आ गया बेटा स्टडी स्टेट के ऊपर। ये मैथमेटिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं सारे। करंट की बात कर लो बेटा, तो करंट कैसे लिखोगे आप, आई नोट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बाई टो विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो भाई स्टडी स्टेट पे जो करंट आया था वो ज़ीरो आया था। तो दोनों जो हमने एक्सप्रेशन लॉजिकली लिखे थे मैथमेटिकली सही साबित होते दिख रहे हैं, बिल्कुल सही रिजल्ट आया हमारा ये। अब जरा और थोड़ा सा एनालिसिस और कर लो बेटा, टी इक्वल टू ज़ीरो और टी इक्वल टू इन्फिनिटी, चार्ज की बात करूं टी इक्वल टू ज़ीरो पे तो बेटा ज़ीरो था और इन्फिनिटी के ऊपर सी ई हो गया। यहाँ पे बेटा करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट की वैल्यू आई नॉट थी विच इज़ इक्वल टू ई बाई आर और यहाँ बेटा ज़ीरो होगी। तो अगर मैं बात करूं चार्ज की तो चार्ज बेटा क्या हुआ है, जब आप यहाँ से यहाँ आए हो तो चार्ज इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। इन केस ऑफ चार्जिंग सवाल आया हुआ है, इन केस ऑफ चार्जिंग चार्ज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है बेटा। और अगर करंट की बात करूं तो करंट देखो जरा ई बाई आर से ज़ीरो हो गया ना, तो ये क्या होगा बेटा, इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। अब ग्राफ बना लेते हैं बेटा जरा, पहले बेटा Q और समय के बीच में, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा T इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर। अगर मैं बात करूँगा तो मैक्सिमम चार्ज होगा बेटा ये कुछ इस तरीके का, और ये बेटा कुछ आएगा आपका T इक्वल टू टाउ पर। यहाँ पे समय है टाउ और इस टाइम पे बेटा जो चार्ज, ये बेटा मान लो कि चार्ज क्यू नॉट है, इट विल बी इक्वल टू 0.63 क्यू नॉट। ये स्टडी स्टेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू आएगी बेटा। सेम सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ बनेगा आपका पोटेंशियल के लिए बेटा, सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ विल बी प्लॉटेड फॉर पोटेंशियल, वो सेम ही बात है बेटा वी और टी के बीच में। एक्सपोनेंशियली ग्राफ इंक्रीज होगा और ये बेटा टाउ इज इक्वल टू आर सी जब समय होगा, इट विल बी वी नॉट, अगर मैं इसको मान लूँ तो 0.63 वी नॉट। ऑब्वियस है वो जो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो ई के इक्वल आने वाली है, बट मैं इसको वी नॉट लिख रहा हूँ अभी के लिए। और भाई करंट के लिए और टाइम के लिए ग्राफ की बात करें तो आई वर्सेस टी, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा और भाई ये टाउ इक्वल टू आर सी, टाउ इक्वल टू आर सी बेटा अगर ये करंट आई नॉट था तो इट विल बी इक्वल टू 0.37 आई नॉट, भाई 0.37 आई नॉट, 0.37 आई नॉट। ये हमने आर सी सर्किट का जनरल एनालिसिस किया है, जनरल एनालिसिस किया है। काम की बात क्या क्या याद रखनी है, जस्ट बिफोर स्विचिंग जो क्लोजिंग ऑफ द स्विच जो है बेटा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अगर जीरो है तो जस्ट उसके बाद भी चार्ज जीरो, ठीक बात है। चार्ज अगर जीरो तो पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल जीरो तो जीरो रेजिस्टेंस वायर से रिप्लेस कर दो। अगर स्टडी स्टेट पे बात कर रहे हैं तो वो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ओपन सर्किट से या फिर एयर गैप से या फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, माने करंट फ्लो नहीं होगा उस केस में। ये आपका एनालिसिस हुआ आरसी सर्किट का। टाइम कांस्टेंट के बारे में बता दिया है, टाइम कांस्टेंट क्या चीज़ है, टाइम कांस्टेंट का डाइमेंशंस क्या है, ये सब हमने बता दिया है। अब इस पर बेटा क्या है, कुछ क्वेश्चन हमें करने, एक बार नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये नोट करो जल्दी से,
देखो बेटा ये क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहे, बाकी और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर्स एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, इतना और आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है। अभी तो कन्फ्यूजन होगी ना कि सर ये कुछ समय वगैरह तो बताया नहीं आपने, तो इतना ज़्यादा एनालिसिस किया था। बेटा जब कुछ नहीं बताया, सब कुछ क्लोज है, इसका मतलब ये बात कर रहा है कहाँ पर, ये बात कर रहा है स्टडी स्टेट के ऊपर। वो नहीं बोल रहा कि इन्फिनिटी के ऊपर है कि लॉन्ग टाइम पे है, बट हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि भैया ये तो इसी अवस्था के अंदर था, इसी कंडीशन के अंदर था, और इस कंडीशन में ये काफ़ी समय से रहा होगा, तो ये स्टडी स्टेट वाली कंडीशन बन जाएगी। तो कुछ नहीं करना, आप सवाल को आसान करना है, स्टडी स्टेट के ऊपर कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से। लो जी, स्टडी स्टेट पे सर्किट को ये लो जी, ये लो, ये लो। लेकिन चार्ज मान लो उस टाइम पे, उस पर चार्ज बेटा क्यों है, कैपेसिटेंस इसका 5 माइक्रोफेरेड है, ये 50 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम और ये 10 वोल्ट, और भाई ये लो, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये एज इट इज़ 3 ओम और 10 वोल्ट। तो भाई स्टडी स्टेट के ऊपर ये बात ध्यान रख लेना कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्टडी स्टेट पर है बेटा, उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए उनको भी हटा दो। कारण क्या है, वो रेजिस्टेंस दिखेगा आपको ना, कोई गलती करोगे तो रेजिस्टेंस को हटा ही दो ना, क्योंकि उसके अक्रॉस ड्रॉप तो होना ही नहीं है, और जब ड्रॉप नहीं होना तो हटा दो, फिर उसको गलती नहीं होगी। इसका मतलब बेटा इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बाहर, बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। इस वाली ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि ओपन सर्किट हो रखा है भाई वो। तो आउटर लूप के अंदर केवीएल लगा रहा हूँ, देखो बेटा 10 -3i -2i + 50 = 0, 10 50 60 = 5i और i = 12 एम्पियर। तो भाई इस टाइम पे जो करंट तो फ्लो कर रहा है वो तो 12 एम्पियर फ्लो कर रहा है, एक बात तो ये आ गई। 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू भी 12 एम्पियर और 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू भी 12 एम्पियर। बच गया है कि इस पे कैपेसिटर पे करंट निकालो, तो सॉरी चार्ज निकालो। तो मैं कहता हूँ कि भाई लो यहाँ पे केवीएल यूज़ कर लो। तो भाई लोग जब यहाँ पे केवीएल आप यूज़ करोगे तो देखो क्या आएगा, 10 - इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है -3 × 12, अब देखो +10, और अब यहाँ पे आप माइनस इसके अक्रॉस ड्रॉप, मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू टेक द ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट, -Q/C = 0। ये माइक्रोफेरेड में ही है सब कुछ, ठीक है। तो देखो भाई क्या आ गया, ये 10 और 10 = 20, 20 - 36 = Q/5। तो ये बेटा 16 आ गया, 16Q = -80 माइक्रो कूलम्ब आ गया। आप कहोगे सर ये नेगेटिव का क्या मतलब है, ये तो नेगेटिव चार्ज आ गया। भाई नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि मुझे मालूम थोड़ी ना था कि इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है, मैंने तो मान लिया कि इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव है, जो मैंने माना उससे उल्टा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव, माने जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या होगा बेटा, एक्चुअल में ये वाला टर्मिनल नेगेटिव कहलाएगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव कहलाएगा। ये नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है। आपने बेटा किसी भी कैपेसिटर प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर लो, जैसा आपको उचित लगी, जिस पर पॉजिटिव लगे पॉजिटिव मान लो, जिस पर नेगेटिव लगे नेगेटिव मान लो। अगर आपकी क्यू की वैल्यू फाइनली पॉजिटिव आ जाती है तो जो अज्यूम किया है आपने प्लेट्स पर पोलैरिटी वो बिल्कुल सही है, और अगर वह नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जिस पर पॉजिटिव अज्यूम किया है उस पर नेगेटिव है, और जिस पर नेगेटिव अज्यूम किया था उस पर पॉजिटिव है। तो ये जो आज हमने क्लास में किया बेटा, ये आपको कम से कम 2-3 बार इसको लिख करके देखना है, इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, नई चीज़ है। और जो छोटी छोटी जो ये बातें बताई हैं कि स्टडी स्टेट पे क्या होगा और इनिशियल स्टेट पे क्या होगा, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी इस पे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।